मॉर्निंग एवरीवन, आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। हम लोग तो एकदम बिंदास चल रहा है। दशहरा भी चला गया, ड्यूटी भी शुरू। ड्यूटी दशहरा का बाद से ही बात मेरा ड्यूटी तो शुरू। कोई एडिटिंग करना भी समय नहीं मिला। बहुत देर से आप लोगों को ये जो भी वीडियो छोड़ रहा हूँ 3-4 दिन के बाद ही हो रहा है। ड्यूटी में तो बस एडिटिंग करने नहीं पाता हूँ मैं। ड्यूटी है आज भी, आज भी जाना है। तो सुबह सुबह उठ के बस रेडी हो रहा हूँ। ठीक है, बाय। देखिए, मेरे मम्मी सुबह सुबह उठ के पूजा करने के लिए फूल ढूंढ रहे हैं। फूल हाथ में, देखिए हाथ में लाठी है और फूल ढूंढने के लिए, पूजा करने के लिए फूल ढूंढने के लिए। देखिए, सुबह सुबह उठ के देखिए इधर उधर घूम रहा है। हाँ, मेरा माँ इतना सुबह सुबह उठती है। देखिए देखिए, मेरे मुंह में हर समय डेट है ना, डेट खजूर होता है। अभी तक मेरा मिसेस सो रहा है। चलिए ठीक है, हाँ चलिए चुपचाप कर। चलिए, देखा क्या मस्त सो रही है, देखा। ठीक है, मेरा तो नाना दाना हो गया कंप्लीट। चावल भी बना दिया। थोड़ा मार्केट जाएंगे, थोड़ा नाश्ता वास्ता करके अब जाएंगे ड्यूटी। अब विंटर चला है, देखिए अब ये भी लगाना पड़ेगा बॉडी में। अब मेरे को सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप लोग कैसे बताना चाहिए। हम लोग तो सभी अच्छे। आज मेरा बहुत बिजी हूँ मैं। देखे, माँ का ब्रेकफास्ट हो रहा है और मैं अब ड्यूटी के लिए रवाना दे रहा हूँ। चलते हैं, मेरा मिसेज देखे फिर किचन में तो चलते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, आज का लंच हमारा अब शुरू करेंगे। उसके आगे देखिए, आज का फ्राइड राइस, आलू दम, ये है साग, रायसा, और ये चिकन, और प्लेन सलाद भी है, और मेरे लिए, और ये तुम्हारे लिए मटन है। तो प्लेन राइस भी है। आगे थोड़ा प्लेन राइस लेते हैं, साग से है। साग है, साग के साथ खाएंगे। ठीक है, राय साग से खाना पड़ेगा। वाह, उसके बाद लेंगे अब ले रहा हूँ फ्राइड राइस और मीट चिकन। क्या बोल रही थी, क्या लत लग गया? डोसा का लत लग गया मुझे। डोसा खाने का मन कर रहा है। उस दिन खाया था, तो अभी भी खाने का मन कर रहा है। और ये देख रही हूँ दिवाली का, फिर दिवाली के लिए पड़ेगा। अच्छा, किसका फोन आया? किट्टी का। ओ, किट्टू कहाँ गए? देहरादून, मेरा बहन, मेरा मौसी का लड़की, वहाँ से फोन कर रहा है। वीडियो कॉल दिखाओ। क्या भाई नकली कितू? हाय, कौन क्या कहते हैं चुदा रामडी देखा? हस्तशिल्प मेला ते हाथे बनो सन। अरू के रहेछ? हस्तशिल्प मेला देहरादून में।
क्या दामी दामी रहेछ यो मेरो जाने इच्छा था लेकिन बेटी के साथ चाहिए बेटी जाने से फिर मेरा चांस नहीं है क्योंकि बाइक में अच्छा ही नहीं लगता है तीनों को मैं थोड़ा सा मोटी हूँ ना मैं थोड़ा सा मोटी हूँ तो डोसा एक मोल है या। उस दिन ये कैब खरीदा ना वो बहुत खुश हो गया ये ढूंढ रहा था सिलगुड़ी में भी उस दिन ना वो बोल रहा था हाँ क्या कालो क्या ना तो उस दिन तो डांस यहाँ पर ही किया ना यहाँ पर डांस किया था ना रील्स बनाया था ना मत तेरा हीरे तिम्रो जुत्ता यहाँ घरभित्र लाउनु पर्छ बाह्र लगाऊ काले देखिए ऐसा करके यहाँ पर बैठ के मैंने कितना इसका फोटो खींच दिया बहुत खुश हुआ एकदम हाँ मैंने फिर मुझे देखिए कैसे करके मैंने इसका फोटो खींचा देखिए मेरे मिसेस ने कैसे करके फोटो खींचा देखिए ऐसे सो सो के फोटो खींच रहा था देखिए मेरा फोटो उसका फोटो क्लिक कर रहे हो लेकिन मेरा इससे देखिए इससे उसका इससे मैंने एकदम दूसरा है मेरा इससे तो एकदम सुपर से ऊपर है नीचे सो सो के फोटो खींच रहा था ऐसा करके मैंने उसका फोटो खींचा तो ऐसे 30-50 आदमी लोग कैसे करके फोटो खींचे से बस ठंड लग जाएगा ठंड लग जाएगा बुखार हो जाएगा ठंड लग जाएगा मैंने थोड़ा सा स्टाइल मारा है ना थोड़ा स्टाइल करके फोटो खींचना पड़ गया ऐसा करके ठीक है थैंक यू थैंक यू कैमरा मैन तो देखिए बाप बेटी एकदम रेडी होके जा रहे हैं तो इन लोग का सूरत भी एक ही है स्टाइल भी एक ही कर रहा है देखिए अरे कोगी बोला के था तो ठीक है जल्दी आना फोटो खिचेर त्यही त भनेको त 30-40 भयो भने त म चोर आइसक्छ होला यस्तो स्टाइलले तर पनि खिच्दिउँ नानी पापा जस्तै जा छिटो जाऊ चौ 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 देखे टाइम भी हो गया अब 8:20 भइसक्यो अब चलते हैं बाजार बेटी के साथ तो ठीक है बाय बाय छिटाउनु आसले छिटाउनु अब क्या करूँ डोसा तो नहीं हुआ मम्मी का मुगलाई लेके जाएंगे डोसा के बदले में मुगलाई लेके जाएंगे सब दुकान बंद आज संडे है ना सब दुकान बंद बैड लक सॉरी पोक्ची नहीं ले पाए सॉरी अब हमारा तो हो गया ना फुचका भी ले लिया ना हमने अच्छा फुचका भी खा लिया हम लोगों ने दोनों ने फुचका भी खा लिया तो डोसा का दुकान एक भी खुला नहीं था ना हम लोग को सेम लग रहा है ना ठीक है अब मोगलाई ले रहा है इस दुकान से देखिए ठीक है ये डॉगियों को बस पता चल गया कि मैं चला आया देखिए बाइक का आवाज़ सुनते ही देखिए अब फिर बिस्किट देना पड़ेगा देखिए देख रहा है ए क्या आया हाँ क्या हाँ क्या है लिया ए डन क्या बिस्कुट खाओगे हाँ चलो ठीक है इन लोग बिस्कुट देना पड़ेगा देखिए मार्केट से तो चला आया लेकिन क्या क्या लेके आया देखिए
यहाँ पर है मेरे बेटी का फेवरेट बिरयानी, यहाँ पर है मुगलाई, यहाँ पर है बेटी का ये केक, यहाँ पर है मियोमर का केक, मियोमर का केक है, यहाँ पर है मुगलाई, दो मुगलाई है मम्मी के लिए, देखो तो, और जितना भी हो पिताजी के लिए, तो पिताजी के लिए तो बस चावल ही लगेगा, चावल और अंडा पापा के लिए, देखिए मुगलाई खाने का मन किया आप लोग को भी, देखिए तो अच्छा लगता है मुगलाई, डबल एग का है, दोनों ही डबल एग के बना दिया, देखिए अभी प्याज ऑनियन सब्जी भी है, सब्जी भी है, आलू का सब्जी है, थोड़ा सा ज्यादा ही चावल दे दिया क्योंकि माँ खा भी सकती है, और ठीक है ये तो बिरयानी है, आज भी खाया, बाहरी बाहर से ही होता है, मैं अगर घर में रहूं तो बस बाहर से ही होता है खाना, ज्यादा डोसा खाने के लिए, लेकिन क्या करें सब दुकानें बंद, डोसा इतना ज्यादा शायद बिक्री हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, जिस जगह में उस दिन हम लोग खाए थे ना वो दुकान भी बंद, उस दिन भी बंद था, उस दिन भी बंद था, क्या जाने ज्यादा सेल हो गया, सेल हुआ था इसलिए बंद किया, पैसा घूम रहा है, ठीक है, अच्छा टेस्ट था ना, अच्छा टेस्ट था ना, चलाते वक्त चेस्ट गार्ड पहनने से बहुत अच्छा होता है, ठंडा नहीं लगता ना, नहीं नहीं पोल्ट्री हो या कोई भी, अभी तो चेंज हो रहा है ना, अब तो विंटर आ रहा है ना, तो चेस्ट पे जम जाएगा कफ, पानी जम जाएगा, इसीलिए चेस्ट गार्ड लगाने से अच्छा होगा, आप लोग भी पहने चेस्ट गार्ड एकदम बाइक चलाते वक्त, तो ठीक है आज के लिए इतना ही, यस yes.